ये है रेडियो इंडिया और आप सुन रहे हैं इंडिया की आवाज रैपर क्रिस के साथ। शो शुरू करने से पहले आपको बॉलीवुड की कुछ खबरें दे देता हूं। अक्षय कुमार दिखाई देने वाले हैं सोनम कपूर के साथ एंड राधिका आप्टे इन हिज अपकमिंग मूवी मदमन। चलिए थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, अब फोन लगाते हैं और देखिए आज मैं किसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। ये कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। इस ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार दबाए। बॉलीवुड की बात करूं या फिर देश भर की, ऐसा एक लैंग्वेज है जो धूम मचा के रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंजाबी गाने की। पंजाबी गाना इस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। ऐसे ही एक बंदा है जिसको आज मैं खींच तान के पकड़ के लेकर आया हूँ इंडिया की आवाज शो में। बंदा का नाम है शहजादा। जिस तरह से हनी पाजी का रियल नेम कुछ और है और हमारे रफ्तार का रियल नेम कुछ और है, ठीक उसी तरीके से इनका भी स्टेज नेम है शहजादा। याद रखना, भूल मत जाना। बंदा है जिन्होंने अभी गिरिक अमन पाजी के साथ काम किया, गाना था बिग बॉस, गाना था जबरदस्त, ट्रेंडिंग में चल रहा था यार। और गिरिक पाजी कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं है, गिरिक अमन जी ने काम कर रखा है सारी वाली गर्ल में सनी लियोनी के साथ, याद है आपको? अरे कम से कम गिरिक अमन पाजी को तो देख लो और उनके साथ साथ इसी बहाने सनी लियोनी का भी दीदार कर लो। बहरहाल इनका दूसरा ट्रैक भी है, बहुत सारे ऐसे इन्होंने गाना कर रखा है। उनका एक ट्रैक ये भी है जिसमें है शो बॉय बादशाह, या करेक्ट वो गाना है टेक योर सैंडल्स ऑफ। इसी तरह का बात का सिलसिला चलते रहेगा। अभी शुरू करते हैं, बात करते हैं शहजादा से। Hey शहजादा, how are you dude? I'm fantastic my brother Chris. Thank you so much for such a wonderful introduction. मैं बहुत टाइम से ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी की वेस्ट कर रहा था कि आप मेरा इंटरेक्शन करवा पाए आम जनता से ऑन रेडियो। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एट इंडिया की आवाज। आप क्योंकि इंडियन हैं और आपकी आवाज भारतीय है तो इंडिया की आवाज में अपॉर्चुनिटी तो मिलने का बनता ही बनता है। बहरहाल मैं क्या बताऊं आपके बारे में, आप खुद से बताओ, बिग बॉस का सफर कैसा रहा, आपकी जर्नी की शुरुआत कहां से हुई और बिग बॉस तक का सफर किस तरीके से रहा? ये बात है आज से करीबन 10 साल पहले की। मेरे अंदर एक सीधा था म्यूजिक का, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं म्यूजिक लाइन में कुछ करूं, बट बिकॉज मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं होते थे, मैं बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में है, सो उस समय घर के हालात इतने अच्छे ना होने की वजह से मैंने हमेशा से पहले मैंने प्रायोरिटी दी थी मैं कुछ वर्क करके पैसा कमाऊँ, बिकॉज स्ट्रगल करना इतना आसान नहीं था। मैंने काफी साल व्यतीत करे कॉल सेंटर में, मेरा 10 साल के कॉल सेंटर का करियर है जिसमें मैंने साइड बाय साइड आई वॉज वर्किंग ऑन माई म्यूजिक, आई वॉज राइटिंग रैप, आई वॉज वर्किंग ऑन म्यूजिक, आई वॉज लर्निंग सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। सो फाइनली 10 साल बाद जब एक चीज आई, जब मुझे लगा कि नाउ इज द टाइम, जब मुझे लगा मेरे घर के हालात सब कुछ ठीक है, जब सिचुएशन ठीक है, आई कैन फोकस ऑन माई पैशन, आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई पैशन नाउ, दिस इज द टाइम टू चेज योर ड्रीम। तो जब वो समय आया मैं फुल फ्लेज इसको अचीव करने के लिए लग गया, दैट वाज द टाइम। बिग बॉस की स्टोरी भी आपको जरूर बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले भी मेरा एक गाना आया था एक महीने पहले जिसका नाम था ओल्ड मेमोरी। उस समय मैं जॉब करता था, जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद आई विल जस्ट राइटिंग द रैप लेटर। तो ओल्ड मेमोरी तो ओल्ड मेमोरीज जो गाना आया, आपने इस गाने में रैप भी किया और गाना भी गाया, करेक्ट? नहीं, इस गाने में मैंने सिर्फ रैप किया था, गाना गाया मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, मेरे टीम मेंबर गोल्डी गिल ने। तो हर रैपर्स की खास बात होती है, वो अपना गाना खुद से लिखते हैं, अपना रैप खुद से लिखते हैं। आई एम श्योर ये खास बात आप में भी है, राइट? जरूर। देखिए जो इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, अगर आप खुद लिखेंगे तो आप उसे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, मेरा ये मानना है। रैपर के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। बहुत सारे सिंगर्स भी आपने देखे होंगे अभी गाना खुद नहीं लिखते हैं, बट रैपर यूजली अपना सॉन्ग, अपने अपना पोर्शन खुद लिखते हैं। रैप में बेसिकली जब आपको सुर ताल की जरूरत नहीं होती, आप समझते हैं चीज को, उसमें ऑल यू रिक्वायर इज अ हैवी वॉइस, एटीट्यूड, स्लैंग, दैट विल बी रिक्वायर्ड। सो जब आपका खुद का लिखा हुआ हो वो इमोशन, वो बातें, तो उसको परफॉर्म करने में बहुत सी बातें अलग होती हैं।
तो सुन रहे हैं ना आप शहजादा क्या कह रहे हैं, एक रैपर को चाहिए कि उसका लिरिक्स दमदार हो, उसके अंदर थोड़ी एटीट्यूड हो। अगर रैपर है और लिखना नहीं जानता तो फिर यार रैपर बनने का कोई मजा ही नहीं है, क्योंकि एटीट्यूड, उसके इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। और इमोशंस उसी समय आएगा अच्छी तरीके से जब आप खुद के लाइन पे रैप करेंगे। चलिए शहजादा, अब बिग बॉस के बारे में बता भी दीजिए, और ये गाना आपने कैसे लिखा, क्या चल रही थी आपके तसव्वुर में और आपके जहन में क्या ख्यालात आ रहे थे? लेकिन मैं आपको सबसे एक बात बताता हूँ, आप भी जानते हैं कि हमारी जो गर्लफ्रेंड होती है या जो मैरिड लोग हैं उनकी वाइफ होती है, वो हमसे प्यार तो बहुत करती है बट हमेशा थोड़ा सा शक भी जरूर करती है। तो यू नो आपके फोन में पासवर्ड क्यों डला हुआ है, व्हाट इज दैट यू हाइडिंग फ्रॉम मी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपकी नया प्यार आता है तो यू नो आपको बहुत प्यार दिखाती है, नया रिलेशनशिप आता है तो बहुत प्यार दिखाती है, बट लेटर ऑन वो थोड़ी सी डोमिनेट करना शुरू करती है बिकॉज अब आप हस्बैंड बन गए या आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना हो गया है। तो मैंने काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको मैं नोटिस करता था कि वो अगर उनको मैं बोलूँ कि वीकेंड का प्लान बनाते हैं, वो बोलते नहीं आते थे, गर्लफ्रेंड के साथ बाहर है या गर्लफ्रेंड मना करती है पीने से, तो ये सब चीजें बहुत रोचक लगा के रखी थी। ये सब चीजें को मैंने नोटिस किया और मेरे दिमाग में एक थॉट बहुत टाइम से था, ये पर्टिकुलर टाइटल बिग बॉस, सलमान भाई का शो आता है, रियलिटी शो आता है, तो मैं उसका काफी फैन हूँ, तो ये टाइटल मुझे बहुत एक्साइट करता था समहाउ। उसमें अगर आपने देखा हो बिग बॉस हमेशा क्या कहते हैं, बिग बॉस आते हैं आप रूम में आए, बिग बॉस आते हैं आप ये ना करें, बिग बॉस बड़े डिमांडिंग होते हैं, तो मैंने इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करा गर्लफ्रेंड से वाइफ से, शायद इसीलिए आपने बिग बॉस सीजन के वक्त ही गाना को रिलीज किया, राइट? हाँ, बहुत ही राइट टाइम था ये गाना रिलीज होने का, और नहीं ये एक्चुअली प्लान नहीं था बट ये जो कुछ होना होता है ना होना होता है, ठीक है, उसको आप नहीं रुकते, बाय गॉड में राइट टाइम पर रिलीज हुआ, आई वाज क्वाइट हैप्पी इस समय पर रिलीज हुआ ये। चलिए अब जब बिग बॉस की बात हो ही गई है तो अगर सलमान पाजी ये शो सुन रहे होंगे, सलमान खान साहब, तो सलमान खान जी को आप क्या कहना चाहोगे? मेरी जानकारी अगर उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो आई विल बी लाइक दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, तो उनको मैं क्या कहना चाहूंगा कि मेरे सॉन्ग को सुने, एंजॉय करें, कहीं भी वो पार्टी करें सॉन्ग को जरूर प्ले करें, दैट्स ऑल आई कैन से, आई एम अ बिग फैन ऑफ सलमान खान। तो सलमान भाई आपके लिए जो है हरियाणा का छोरा है आपका सुल्तान, मूवी देखने के लिए बंदे ने डोले शोले बनाकर जद्दोजहद करके टिकट निकाल कर फिल्म देखा था, अब आपसे छोटी सी इल्तिजा दरख्वास्त कर रहा है कि प्लीज मेरे गाना को आप देख लीजिएगा जरूर, आपकी नजर नूरे नजर मेरे गाना को दीदार कर लेगी तो मुझे लगेगा इस दुनिया में ही जन्नत मिल गया है। बहरहाल तो आपके दिमाग में इस तरीके से बातें चल रही थी और आपने बिग बॉस का गाना लिख दिया, राइट? तो फिर ग्रिक अमन साहब से मुलाकात कैसे हुई, पाजी ने कैसे आपसे मुलाकात किया या आपने कैसे उनको अप्रोच किया? जरूर मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा, बीच में सलमान खान वाली बात रहेगी, लेकिन मेरी एक दिल से एक तमन्ना है कि कभी मैं उनके लिए कोई गाना लिख पाऊँ, बना पाऊँ, गा पाऊँ या रैप कर पाऊँ, मुझे वो उनके घर पे जाके ना उनके साथ वो बिरयानी खिलाते हैं अपने फ्रेंड्स को, कबाब खिलाते हैं, ये मेरी दिल से तमन्ना है कि मुझे ऐसा पूरा हो पाए, आई होप रेडियो इंडिया की वजह से कभी शायद ऐसा पूरा हो पाए। क्यों नहीं यार, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिस तरह आप 10 साल जद्दोजहद करके गिरी कमन के साथ गाना गाने का आपको मौका मिला, तो क्या पता आने वाली 2 साल या 3 साल में इंशाल्लाह अल्लाह करे आपको सलमान भाई के साथ काम करने का मौका मिल जाए। तो लिखने की बात हो रही थी बिग बॉस को कम्प्लीट करने की बात, तो मैंने इस गाने की थाई जिसको लाइक फर्स्ट पैराग्राफ बोलते हैं इस लाइन को, ये मैंने लिखा था, मैंने ये लाइन अपने फ्रेंड, मैंने भी नाम लिया गोल्ड ईगल, ही इज द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, उनको सुनाया, उन्हें गाना काफी पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि वर्क ऑन दिस, कम्प्लीट दिस सॉन्ग, दिस इज अ गुड सॉन्ग, हम दोनों बैठे, उन्होंने मेरी काफी मदद करी इस गाने को कम्प्लीट करने में, फिर हमने रैप लिखा, तो ये सॉन्ग तैयार हुआ, हमने इसका म्यूजिक करा, फिर हमारे एक कॉमन फ्रेंड है मेरे कमन पाजी के और हम दोनों के गोल्ड ईगल और मेरे एक कॉमन फ्रेंड है प्रभु जैन, जिनकी वजह से हमारी मुलाकात हो पाई गिरी कमन पाजी के साथ, पाजी को हमने अपने बहुत सारे सॉन्ग सुनाए, उन्होंने काफी सॉन्ग सिलेक्ट भी करे एंड बिग बॉस वाज वन ऑफ देम, पाजी को मेरा रैप भी पसंद आया, तो ही वाज क्वाइट हैप्पी टू टेक मी इन द वीडियो आल्सो, गोल्डी पाजी ने म्यूजिक दोबारा से क्रिएट किया एक नए तरीके से और आज आपके सामने है गाना, कम काफी दिनों तक यूट्यूब ट्रेंडिंग में रहा, बिटवीन नंबर 1 टू नंबर 10 बहुत टाइम तक रहा,
और YouTube व्यूज अगर आप चेक करेंगे तो मोस्टली 3.2 मिलियन व्यूज है. तो व्हाट एल्स कैन आई आस्क फॉर, दिस इज लाइक अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ माय करियर. अभी आपके लिए मैं शहजादा को बोलूंगा रैप करने के लिए और वो गाना गाकर सुनाने के लिए, पर आई हैव टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक. चलो यार शहजादा, अब गाना सुना ही दो यार, और रैप भी ऑफ कोर्स. जरूर, व्हाई नॉट. मेरे भाई गाने को गाया है गिरी कमन पाजी ने, बट सिंस यू टेकिंग माय इंटरव्यू टुडे सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सिंग फ्यू लाइंस ऑफ द सॉन्ग. ओ यार ना रे दारू दा प्लान नहीं बनाउणा, ओनी अपने नु थंब लॉक नहीं लगाउणा. ओ यार ना रे दारू दा प्लान नहीं बनाउणा, ओनी अपने नु थंब लॉक नहीं लगाउणा. मुक गया मैं मुक दी ना टैट है, मुक गया मैं मुक दी ना टैट है. होगी हुक्मां दी लिमिट क्रॉस कुड़िए, बाबू बाबू जानू जानू. नोना नोना कर लिया जट तू पचा, हुण बनदी जानी है बिग बॉस कुड़िए. जानू जानू कर लिया जट तू पचा, हुण बनदी जानी है बिग बॉस कुड़िए. लुक चुक नुक चुक लाई रखदी है, साडी सारा दिन रेड बनाई रखदी है. माड़ा मोटा कदे गुस्से विच कैदी है, कुछ 3 वीक मूह नूं फुलाई रखदी है. लड़ने दा उता निप लभदी बहाना, छड़दी ना मौका कोई मारने नु ताना. यारा बेलिया नु जिन मिलने की सोचा, अख छड़ मैनू कहंदी ना 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 ना. थैंक यू सो मच. तो उनको शॉपिंग में जाओ, उनको पार्टी में लेके जाओ, को मूवी लेके जाओ, दे हैप्पी विद इट. बट अगर आप कहें कि मुझे मेरे फ्रेंड के साथ वीकेंड पे जाना है और दारू पार्टी आपसे निकाल लेती है, और कहती है नो नेवर नेवर. क्योंकि मैं आपको जितना दूर तक जानता हूँ, आप कुंवारे हैं, आपकी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड अगर है तो उसने कभी इस तरह से नखरा दिखाया, और नखरा दिखाया तो आपने उसके जवाब में क्या किया? आपने गलत सवाल पूछे ना मुझसे. देखो नहीं, मैं कुंवारा हूँ ये तो एब्सोल्युटली राइट है, तो मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं है. इस सवाल का अगर मैं आंसर दूंगा तो इतनी सारी लड़कियां जो उससे मरना चाहेंगी वो तो सोचेंगी तो कमिटेड है ऑलरेडी. तो आपने सवाल पूछा है तो मैं जरूर इसका आंसर देना चाहूंगा. यस आई एम नॉट मैरिड येट, बट आई हैव अ गर्लफ्रेंड. और नहीं, वो ऐसा कोई नखरा नहीं कर दी है. वो उसने मुझे पूरी पूरी फ्रीडम दी हुई है कि मैं शराब पीऊं. मैं वैसे ये नहीं पीता हूँ शराब, इसलिए पूरी पूरी फ्रीडम दी हुई है. और पासवर्ड वासवर्ड कोई मैं वैसे डालता नहीं हूँ, बड़ी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. तो अगर जिन लोगों की गर्लफ्रेंड ऐसा करती भी है तो हम तो रूम से बहुत प्यार करती है, उनके बॉयफ्रेंड भी उनको बहुत प्यार करते हैं. बट जस्ट चलिए अब ये भी बता दीजिए कि आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके लाइफ में हैं और कौन कौन सा गाना आप किस किस के साथ करने को तैयार हैं? मैं तो सबके साथ काम करना चाहूंगा, बी यंगस्टर जो टीम कमर है या फिर कोई एक्सपीरियंस मुकाम पे, मैं तो सबके साथ वर्क करना चाहूंगा. और इस बार मेरे सॉन्ग अच्छा लगना चाहिए, मैं इसके लिए रैप जरूर करना चाहूंगा. आपने बात करी अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो मेरे तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे जिससे कि आप एक हार्ड कोर रैप कीजिए, कमर्शियल रैप आपने काफी किए, कुछ प्योरली रैप कीजिए, अंडरग्राउंड रैप कीजिए. तो मैंने ट्रैक बनाए हुए हैं, एज इन लिखे हुए हैं गाने, उसका डेमो वर्जन बनाया हुआ है. बट कोई सॉन्ग अभी इस तरह का प्रॉपर रेडी नहीं है, बट आने वाले टाइम में जरूर विनती होता है मैं उसे कंप्लीट करके उसे रिलीज करूंगा. दैट वन मेरा सिंगल ट्रैक रिलीज करने वाला हूँ मैं प्री सून, जिसमें मैं सिर्फ गाऊंगा, कोई रैप नहीं होगा. अगर मेरी आवाज लोगों को पसंद ना आए तो उसके लिए पहले से माफी मांग लेता हूँ मैं. बाकी कुछ कोलैबोरेशन भी हैं, कुछ नए लोगों के साथ है, कुछ करंट टीम मेंबर्स हैं जैसे उनके साथ, और कुछ बड़े लोगों के साथ भी है जो ऑलरेडी सेलिब्रेशन बन चुके. तो आने वाले सॉन्ग्स का मुखड़ा थोड़ा सुना ही दीजिए. आपने देखा होगा अभी बहुत सारे रैपर्स हैं जो काफी हिट हैं. आई एम न्यू, ठीक है. तो इस कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में मैंने नए बंदे को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है. तो इसलिए मैंने लिखा था कि कुछ लाइनें मैंने लिखी थी. मैंने आई एम इंडस्ट्री में पर मैं किसी से डरता नहीं, माना वो बन गए रैप के तुम पर, रैप तुम्हारा मैं भी करता नहीं. बस कुछ दिन और बस कुछ रातें, फिर दुनिया कर रही भी बातें. शहजादा है नाम मेरा, मैं चार बनी सब दिल से चाहते. वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू. शहजादा मैं आपको देखा हूँ, आप क्या दिखते हो यार, हैंडसम दिखते हैं यार. लड़कियां तो बोलती होगी आपको
आई लव यू। तो ये बात चलिए मान भी लेते हैं, होता है मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। तो आप ये बताओ, अगर बॉलीवुड में एक्ट्रेस, इतनी सारी एक्ट्रेसेस, इतनी सारी खूबसूरत फनकार है, और रईस की हीरोइन, ओ माय गॉडनेस क्या ब्यूटीफुल माहिरा खान दिखती है, तो आपको अगर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो कौन एक्ट्रेस के साथ आप काम करना पसंद करेंगे? अरे किसी भी का नाम दिए तो बाकी सब बुरा मान जाएंगे ना। तो ये सब हीरोइन बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी दिखती हैं, बट मेरी एक हीरोइन सबसे फेवरेट है, जिसके साथ मैं डेफिनेटली कोई सॉन्ग करना चाहूंगा, भले ही वो उसमें गाएं या उसमें रैप करें। दैट इज वन एंड ओनली प्रियंका चोपड़ा। वेरी गुड, प्रियंका चोपड़ा तो यार मुझे भी बहुत पसंद है। तो शहजादा, आप इंडिया की आवाज में आए, बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए, आप लोगों को क्या पैगाम, संदेश और मैसेज देना चाहते हैं इस शो के जरिए? जरूर, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो भी मैं सुन रहे हैं समय, मुझे बहुत टाइम लगा इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, अभी बहुत दूर जाना है, बट मैंने कभी हार नहीं मानी। अगर आपका कोई पैशन है, कोई सपना है जिसे आप दिखते हैं हर दिन, उसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दीजिए। ऐसा ना हो अगर आप उसे नहीं अचीव करते, एटलीस्ट आपके मन में एक मलाल नहीं रहेगा कि आपने ट्राई नहीं किया। उसे ट्राई जरूर करें, अपनी 100% एफर्ट लगाएं, मोर देन 100% एफर्ट लगाएं टू अचीव दैट। जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो गिव योर 100% एंड आई एम श्योर यू विल अचीव इट। मेरे फ्रेंड है, अभी भी मेरे फ्रेंड है, जो हमेशा कहा करते थे कि फेलियर इज ओके but aiming low is a crime, so always aim high and work towards that, try hard, आप उसे चीज जरूर कर पाएंगे। और जिस तरह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है रैपर के से बात करने के लिए रेडियो इंडिया शो पे, जिसका नाम है इंडिया की आवाज, आपको भी अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है। जस्ट ट्राई योर हार्ड, ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, बने रहो आप रैपर के साथ इंडिया की आवाज में, ओनली ऑन रेडियो इंडिया। बिंदास जीने का।